अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब? मैं हूं आपका होस्ट साद। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी यार आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज हम आए हैं इधर लोक विरसा। ये जो है लोक विरसा मीन्स इधर ये शॉप्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, ये हमारे कल्चर को बताते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है। ये देखें कितना प्यारा है ये। इधर बहुत सारी शॉप्स हैं, लेडीज़ बुटीक्स हैं, ऐतल कुर्सी वगैरह इस तरह की ना, काफ़ी सारी अच्छी आपको प्रिंटिंग वगैरह मिलेगी। ये देखें जैसे कि ये ज्वेलरी शॉप है, इधर ये छोटा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए मैंने बनाया हुआ है। और इधर म्यूज़ियम भी है, विरसा म्यूज़ियम, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें कितना प्यारा है। और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर लियन खेल सकाफत और नौजवान रियासत के लिए ये भी है। हम पहले म्यूज़ियम में चलते हैं, आपको म्यूज़ियम कैसा दिखाता हूँ कि म्यूज़ियम कैसा है इसका, तो फिर आगे फिर मूव करते हैं। हम ये म्यूज़ियम के बाहर पहुँच चुके हैं, वहाँ से हम टिकट्स लेते हैं इसके और फिर हम अंदर चलते हैं म्यूज़ियम में। तो ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारी हिस्ट्री से, हमारी हिस्ट्री को ले कर ये बताते हैं। सो टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। टिकट कितने का है? 50 का, एक जैसे तीन टिकट। और टिकट मैंने ले लिया, अभी हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, मज़े की जगह। ये मोहनजोदड़ो इससे रिलेटेड इधर बता रहे हैं। ये मेराजगढ़ इससे रिलेटेड, ये भी हमारे ओल्ड जो फैशन है उसको बताते हैं। ये गाँव को, गाँव से रिलेटेड, इधर गाँव से रिलेटेड बता रहे हैं, इधर पंजाब से रिलेटेड बताया गया है, इधर आई थिंक सिंध से रिलेटेड बताया गया है, और ये जो उनसे रिलेटेड बताया गया है। ये एंड में आई थिंक पठान वगैरह से, जो पठानों की हिस्ट्री उससे रिलेटेड बताया गया है। इधर काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत मज़े की जगह। ये जो रक्स है उससे रिलेटेड बताया गया, पंजाब का रवायती लोक थिएटर इससे रिलेटेड ये सारा बताया गया है। यार ये बिल्कुल प्यारा है, ये पंजाब साइड से, जो अब अभी भी गया पंजाब वाली साइड पे जाएँ, लोग इसी तरह उठा वगैरह पी रहे होते हैं, और ये इसी तरह लस्सी शस्सी वाला सीन चल रहा है। मुझे मेरा एक दोस्त अनीस याद आ गया, वो ये लस्सी शस्सी वाला ना बड़ा उसको शौकीन है लस्सी वगैरह इस तरह। ये जो क्राफ्ट वगैरह का काम हो रहा है, सिलाई शिलाई उससे रिलेटेड, इतना अच्छा मेंटेन किया मैंने यार, क्या बताऊँ आपको। इधर हम आते हैं तो हमें अपना सारा विरसे का पता लगता है कि हमारे पाकिस्तान में का विरसा कैसा था, क्या है। सो अभी जिधर हम एंटर होने लगे ना, ये हमारे जो पाकिस्तान में ट्रक वगैरह है उससे रिलेटेड बताया गया, जिस तरह की ट्रक है इससे रिलेटेड बताया। ये जो ट्रक पर काम हुआ हुआ था हैंडीक्राफ्ट पर, उससे आई लव यू पाकिस्तान, आई लव यू टू, और ये बताया गया। और ये देखें कि जो हमारे ट्रक वाले जो ट्रक ड्राइवर होते हैं भाई, ये जिस तरह खाना पसंद करते हैं, वो पीछे भी सर आप देख रहे होंगे। आप में से किसी को कुर्ते पहनने का शौक है, देखें सलीम शाही जूतों पर जरदोजी का काम, ये भी कोई अपने टाइम के होंगे, मुझे इसका नहीं पता, अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये दर्जी भाई, अकेले व्लॉग बना रहे हों वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि आपके साथ दो तीन बंदे हों। कह रहे थे माइंड योर हेड। अभी हम आ गए हैं कलाश, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान के पास जो है ना कलाश, उसकी सकाफत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कलाश वैली है, इसके बारे में सारा लिखा है, चित्राल प्रोविंस, कलाश कम्यूनिटी इज़ द स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप इन पाकिस्तान, ये सारा उसके बारे में। ये अपने लिबास की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, और इनका जो फंक्शन शंक्शन होते हैं उनकी वजह से भी ये काफ़ी मशहूर है।
ये हमारे खान लाला पे चाय बना रहे हैं और ये खान लाला आगे से चाय आगे सेंड कर रहे हैं। सिल्वर ज्वेलरी है जो सिंध के लोग पहले यूज़ किया करते थे। ये सारी ये भी और ये सिल्वर ज्वेलरी है जो बलूचिस्तान के लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो उनकी पहचान थी ये यूज़ करके। इसी तरह इधर पंजाब वगैरह और सब की पड़ी हुई है। अब ये पड़ी हुई है सिल्वर ज्वेलरी कश्मीर, ये कश्मीर के लोग ऐसी ज्वेलरी यूज़ किया करते थे। पंजाब की इधर नहीं है यार, पंजाब की भी इधर होगी। सिल्वर ज्वेलरी यूज्ड बलूचिस्तान के लोग इस तरह की यूज़ किया करते थे। ये जो उनकी पहचान होती थी, केपीके के लोग ये वाली यूज़ किया करते थे। इसी तरह पंजाब का आई थिंक ये नहीं, ये भी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब का इधर नहीं है, ये देखता हूँ। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये वाली ज्वेलरी यूज़ किया करते थे। खैर पंजाब का इधर नहीं है। ये है ना, इसके थ्रू लोग पहले, अब तो गाड़ियाँ बाइक्स आ गई, लोग पहले इस पर सफ़र किया करते थे और इसी तरह इनको अपना उनके कमाने का भी यही था, इसके थ्रू ही कमाते शमाते भी थे और सफ़र वगैरह भी इसी पे करते थे। सो अभी हम चलते हैं बाहर। बाहर आ गए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। और रिव्यू मैं आपके लिए और भी लाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे सो अभी अपने दोस्त राजा साल अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।